करना है tan थीटा से, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस, बताओ किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा 1 1 प्लस tan स्क्वायर का, साइन 2 थीटा, एंगल क्या होगा डबल, ये दोनों कैंसिल, बोलो थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स 5x, ऐसा है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट बाहर dx रिमेनिंग टर्म्स, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx ऑफ x, x है इनवर्स से सामने वाला, ये 5 का पावर 2x लिख सकते हो, बताओ 5 पावर x का क्या होगा, a पावर x का, a पावर x log, ये आंसर ये 1 माइनस x का पावर 5 है और x का पावर 5 है, दोनों को किस तरह से लिखें, पहले तो cot इनवर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए tan इनवर्स, में क्या होता है बताओ, हाँ बोलो अब क्या फर्क है, ये ऊपर x का पावर 5 बाय 2, नीचे x का पावर 5 बाय 2, हमें ऊपर 2, अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है समझ में नहीं आ रहा है जाने दो, ये वाला बताओ ऊपर 2 नीचे 1 माइनस, ऐसा कौन से फॉर्मूले में आता है 2 और 1 माइनस, वो इस मान तो उसके मैच करवाओ, ये है ना, अब उस फॉर्मूले से अगर मैच किया तो 2 के साथ जो है x का पावर 5 है तो उसको आप क्या बोलोगे 10, लेकिन नीचे भी वही चाहिए ना जो ऊपर है वही नीचे, और नीचे स्क्वायर में चाहिए, बताओ जो ऊपर है वही नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और वो भी स्क्वायर में चाहिए, बरा तो एक काम कर दो ना, आप बोलो आपके दिमाग में किसी के दिमाग में तो बताओ पहले क्या किया, क्या कैसे किया, अरे इसको देखो इसको देखो, अरे जो ऊपर है वही नीचे चाहिए ना, सेम है ना, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, बस नीचे स्क्वायर ज्यादा है, तो अगर ऊपर x का पावर 5 बाय 2 नीचे भी x का पावर 5 बाय 2 चाहिए ना, फिर सेम क्या करना है, ये ऊपर में तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर है वही नीचे चाहिए ना, तो लिख दो ना, तो सर ऐसे लिख दे, लिख दो और क्या चाहिए उसका, जो ऊपर है वही नीचे, हाँ सर है जो ऊपर, और नीचे वाले को क्या लगाओ स्क्वायर, कर दो स्क्वायर, बताओ मैच हो रहा है, अब अच्छी तरह से देखो, ये तो सर जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ नहीं किया हमने, 1 माइनस भी वही है, हमने सिर्फ यहाँ पे किया है, ये x का पावर 5 है ना, ये x का पावर 5 है कि नहीं बताओ, नहीं, ये x का पावर 5 है, नहीं, नहीं सर उसे x का पावर 5 बाय 2 है और एक पावर 2 है, ये x का पावर 5 नहीं, अरे पावर पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कैंसिल नहीं, मल्टीप्लाई, तो बताओ x का पावर कितना होगा, 5 बाय 2 इनटू 2 तो 2 2 x का पावर 5 चाहिए, बस दिखता है ऐसे, लेकिन सॉल्व करो तो x का पावर कितना है 5, तो बताओ चेंज कहां पे किया, ये तो जैसा है वैसा है, 1 माइनस भी जैसा है वैसा है, बस इसको हमने ऐसा लिखा है, वो x का पावर 5 लिखी, ऐसा क्यों लिखा उसका कारण बताओ, अरे ये फॉर्मूला में tan मैच हो रहा है, फॉर्मूला कैसा है, जो ऊपर का है तो नीचे भी टैन, तो ऊपर दिख रहा है लेकिन नीचे नहीं दिख रहा है, वही उसको हमने दिखाया और स्क्वायर किया और बराबर वो x का पावर 5 है, अब बताओ इसकी जगह क्या पुट करो, यही है ना 2 tan है ना, ये इसके जगह tan, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x का पावर 5, अब बोलो क्या होगा, ये tan इनवर्स ये है tan थीटा 1 माइनस, ये भी है tan थीटा और उसका स्क्वायर, बोलो कितना किसका फॉर्मूला है, tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ये दोनों कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x का पावर और अब आप करो इसका डेरिवेटिव, बताओ पांच टर्म बाद tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx ऑफ x, x कौन सा, इनवर्स के सामने, और उसके बाद बताओ क्या होगा,
इधर का किधर होगा, क्या होगा ये 2 पर 1 प्लस 5 बताओ, पावर पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कटेंगे फिर क्या बचेगा, x का पावर 5। और बताओ इसका डेरिवेटिव, x टू द पावर 5 बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 बाय 2 n सभी टर्म का यही 5 पावर है, x टू द पावर यहां से n x टू द पावर n माइनस 1 dx of x तो 1 कितना ये 2 भी कट जाएगा कितना बचेगा ऊपर 5 बोलो x का पावर कितना, ये फाइनल 5x का पावर 3 बाय 2 5x का पावर 3 बाय 2 है नीचे एक होने के लिए x का पावर बराबर है। तो ये आपको ध्यान में देना था कि जो ऊपर है वही नीचे लिख देना और स्क्वायर करना बराबर, ये 5 जो x का पावर 5 है ना ये भी x का पावर 5 जो बस दिखने में ऐसा दिखता है। एक बात बताओ ये x है मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ है x ऐसा लिख रहा हूँ लेकिन है x सच ना, अभी भी क्या है ये x सच है बस दिखता स्क्वायर के फॉर्म लेकिन इसका वैल्यू x सच है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट के x सच होगा ना, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, वैसे ये और ये सेम ही चीज़ है, x का पावर 5 है ये भी x का पावर 5 है, पावर पावर मल्टीप्लाई करते 2 कट गया x का पावर 5 सर, लेकिन फिर इतने काय को लिखा है ऐसा जो ऊपर है वही नीचे लिखना चाहिए ना, इसको आप इसको tan थीटा पुट करो ये भी tan थीटा होगा ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा स्क्वायर ऐसे। अब बताओ ये कैसे करें, इसको इसको ये ऐसा होगा x का पावर 5 बाय 2 का मतलब क्या होता है, x का पावर 5 है और बाय 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो नीचे भी वैसा होगा ऐसा लिखना पड़ेगा, ये भी चलेगा x का पावर 5 बाय 2 को ऐसे लिखा 5 बाय 2 यानी स्क्वायर और ये जैसा ऊपर है वैसा ही लिखो और क्या करो स्क्वायर, बता स्क्वायर स्क्वायर रूट x का पावर 5 चाहिए तो ऐसा लिखा तो भी आंसर है, आंसर वही आएगा ना, आंसर वही है। आपको अभी किसको tan थीटा पुट करना पड़ेगा, इसे इसे क्या पुट करना पड़ेगा tan, ये 2 tan थीटा होगा और 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, ये भी चलेगा, हाँ ये वाला पिक्चर नहीं है क्या करना है, जहां पे नेगेटिव पावर है उस पावर को पॉजिटिव बना, कैसे बनाओगे लक्ष्य देगा अंदर ले आओ, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बना, इसका क्या करो ऐसे करो जैसे इसका पावर -3 उसको नीचे लेके जाओ तो x का पावर क्या होता है +3 यानी रेसिप्रोकल करने पर पावर का साइन चेंज होगा, तो वैसे ये a का पावर -x था उसका रेसिप्रोकल किया यानी उल्टा करते हैं उसको नीचे लेके गए तो a का पावर क्या हो गया +6। अब सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो टर्म नीचे है उसी से मल्टीप्लाई करो यानी a पावर x से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं अभी आगे चल के समझने में आना चाहिए, मल्टीप्लाइंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a पावर यानी ऊपर नीचे दोनों को a पावर x से मल्टीप्लाई करो, चलो करो इसको a पावर x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, a पावर x से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया ना माइनस, बताओ इसको मल्टीप्लाई किया a पावर x से तो क्या हो जाएगा कैंसिल होगा ना 1 बचे, इसको a पावर x से किया तो स्क्वायर और इसको किया तो 1। अब आप बताओ ऐसा कोई फार्मूला है क्या, ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है यानी, और इसको मत देखो स्क्वायर और माइनस वन स्क्वायर और प्लस वन हमेशा फॉर्मूले में वन पहले है लेकिन स्क्वायर पहले नहीं है, तो सर उल्टा करो उसको पलटा, ये वन इधर और ये इधर चलेगा ना, बताओ इसको भी ऐसा कर दो चलेगा, चलेगा है ना, हाँ यहाँ बोल दिया, अरे प्लस वाले में चलता है
प्लस वन और ये प्लस, चलता माइनस वाले में कैसे चलेगा, ये कौन है माइनस वन और तुमने क्या लिखा प्लस वन, तो गलत किया ना तुमने, और ये कौन है पॉजिटिव, तुमने क्या लिख दिया, लेकिन सर करे क्या हमें गलत चाहिए ना कोई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे माइनस में तो कौन सा साइन बाहर आता है, कौन सा साइन माइनस, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, तब ये प्लस का माइनस होगा और माइनस वन का प्लस वन है। और अब बताओ आप कॉस इनवर्स है, अब ध्यान से देखो कॉस इनवर्स कौन है बताओ, वन माइनस ए पावर एक्स का स्क्वायर और वन प्लस ए पावर एक्स का स्क्वायर, बताओ इसको जो माइनस साइन लगा वही क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है ना वो आ गया। अब बताओ कॉस इनवर्स को अगर निगेटिव साइन लगा तो क्या, या फिर अभी मत करो, अभी मत करो, एक काम करो रुक जाओ, पहले पुट कर लेते, पुट किसे पुट करेंगे, ए पावर से क्या पुट करेंगे साइन थीटा, बोलो क्या होगा, ये माइनस वन माइनस वन माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, वन प्लस क्या होता है बताओ, ये माइनस क्या होता है इसका, अब बताओ कटेंगे क्या, कॉस इनवर्स और कॉस नहीं कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे, माइनस बताओ कुछ पढ़े थे क्या, इनवर्स में अगर माइनस साइन आया तो क्या होता है, माइनस साइन कहा जाता है बाहर, और पाय लगता है कि नहीं लगता, कौन से किनों में लगता था, कॉस इनवर्स एक इनवर्स और उसमें माइनस साइन तो बाहर सब में जाता है पाई लगता, तो ये माइनस है ना बाहर पाई, अब बता ये पाई माइनस, बोलो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, क्या बचा पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या बता, टैन इनवर्स ए पावर थीटा की वैल्यू है टैन इनवर्स ए पावर, और अब करो आप इसका कांस्टेंट का 0 2 बार टैन इनवर्स का 1 क्या होगा फाइनल,